बाबू खान, रुस्तम खान और अकबर खान, ये तीन लोग मंदिर में जबरदस्ती घुसते हैं और वहां जाकर नमाज पढ़ने लगते हैं। इसके बाद इलाके में बवाल मच गया। दरअसल मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मंदिर में नमाज अदा करने के बाद बवाल मच गया। आरोप है कि राम मंदिर परिसर में तीन मुस्लिम शख्स घुस गए। रोकने के बाद भी उन्होंने मंदिर परिसर में जबरन नमाज पढ़ी, जिसे लेकर मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश शर्मा की शिकायत पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला शाजापुर जिले के गुलाना गांव का है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के गुलाना गांव में राम मंदिर में बाबू खान, रुस्तम खान और अकबर खान नाम के तीन भाई जबरदस्ती मंदिर में घुसे और मंदिर परिसर में जाकर नमाज अदा की। पुजारी के मुताबिक तीन भाई शाम को करीब 6:45 बजे मंदिर परिसर में आए और वहां पर उन्होंने मंदिर परिसर में रखे हुए मटके के पानी से बकायदा अपने पैर धोए। उसके बाद वो वहीं बैठकर नमाज पढ़ने लगे। उन्हें ऐसा करता देख मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। मंदिर के पुजारी ने तीनों भाइयों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बताया जा रहा है कि तीनों मंदिर के पास में स्थित बैंक में काम से आए थे और नमाज के समय होने पर परिसर में नमाज अदा कर ली। राम मंदिर में नमाज अदा करने की खबर फैलते ही हंगामा मच गया। लोगों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पुलिस ने इस केस में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में तीनों भाइयों पर FIR दर्ज की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला 25 अक्टूबर का बताया जा रहा है। पुजारी की शिकायत पर तीनों के खिलाफ मंदिर परिसर में नमाज पढ़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। बैंक में KCC के लिए आए थे कुछ लोग, और बैंक में उनका कार्य होने में कुछ देरी थी, इसलिए वो बाहर बैठने के लिए आ गए और उसी समय उनका नमाज का समय हो गया था। नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिली। मंदिर के बाहर जो होटल बना था उस पर पानी की भी व्यवस्था आज बैठने के बाद वहाँ बैठे, बाहर जो है बैंक से जुड़ा हुआ उस पर पढ़े। अच्छा, बुजुर्ग हैं वो करीब 80+ हैं। अच्छा, 80, 85 और 90 तीनों के। हाँ, शिकायत दर्ज कराई है सलसलाई थाने में। पुलिस अपना काम कर रही है। वही सलसलाई थाना प्रभारी जनक सिंह रावत का कहना है कि इस केस में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298 3 सबसेक्शन 5 के तहत बाबू खान, रुस्तम खान और अकबर खान पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच करके आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं इस पूरे मामले में गांव के सरपंच ने कहा कि तीनों ही बुजुर्ग हैं और बैंक में काम से आए थे। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया और उन्होंने परिसर में नमाज पढ़ ली। ऐसा कोई विशेष मामला नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर में तीन मुस्लिम भाइयों के नमाज पढ़ने की सूचना जब गांव वालों तक पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। साथ ही सभी ने इसका विरोध किया और इस मामले को लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। गांव के लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़े जाने के लिए बहुत सारी तीखी प्रतिक्रिया दी और इसके बाद ही मंदिर के पुजारी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर मंदिर के अंदर जबरन घुसकर नमाज पढ़ने के पीछे तीनों मुस्लिम भाइयों का उद्देश्य क्या था। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।